एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 13,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों के साथ एक्टिव मामले की संख्या बढ़कर 72,474 हो गई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच कोरोना क्रिमिनल से जुड़ी एक खबर आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की लीक हुई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन की नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसों में काफी तेजी देखी गई। बीते एक हफ्ते में कोरोना वायरस की बढ़ने की गति दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसके चलते अब सरकारें काफी ज्यादा चिंता में आ चुकी हैं। स्कूल कॉलेज वहीं खुल चुके हैं, छात्र और छात्राओं में अभी भी कोरोना की पहली और दूसरी डोज नहीं लग पाई है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कोरोना की पहली और दूसरी डोज छात्र और छात्राओं में अनिवार्य कर दी गई है। काफी तेजी से केसेस बढ़ने के कारण छात्र छात्राओं के स्कूल कॉलेजों पर फिर से खतरा आ चुका है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजेशन का पालन करना सभी छात्र छात्राओं को आवश्यक है। इसके साथ ही साथ कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगानी भी आवश्यक कर दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसों ने चिंता एक बार फिर बढ़ा दी।